नमस्कार दोस्तों, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेहद चिंतित हैं, टेंशन में हैं और उस टेंशन के पीछे की वजह ये नहीं है कि मणिपुर जल रहा है। नरेंद्र मोदी के टेंशन के पीछे की वजह ये नहीं है कि मणिपुर में महिलाओं को निर्वस्त्र करके परेड करवाया गया। नरेंद्र मोदी को इस बात की चिंता नहीं है कि देश में बेरोजगारी बढ़ रहा है। नरेंद्र मोदी इस बात को लेकर थोड़ा सा भी टेंशन में नहीं है कि महंगाई बहुत बढ़ गई है, लेकिन हाँ, नरेंद्र मोदी इस बात को लेकर जरूर टेंशन में हैं, चिंता में हैं कि 2024 में क्या होगा, कुर्सी रहेगी या फिर जाएगी, क्योंकि 2024 में लोकसभा का चुनाव है और एनडीए के मुकाबले के लिए इंडिया तैयार है। नरेंद्र मोदी सहित बीजेपी के नेताओं ने कभी सोचा भी नहीं था, ये कभी सोचा भी नहीं था कि एक गठबंधन बनेगा जिसका नाम इंडिया होगा, जिसका अगर आप फुल फॉर्म करें इंडिया का, क्योंकि इंडिया शॉर्ट नेम है, तो ये कहा जाएगा कि इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव एलायंस, जो विपक्षी दलों का है। बीजेपी नेताओं ने कभी सपने में भी ये सच नहीं देखा था कि विपक्ष की तमाम पार्टियां 26 दल एक साथ एक मंच पर आ जाएगी। नरेंद्र मोदी बेहद चिंतित में है, टेंशन में है, और पहले उन्हें इस बात का टेंशन नहीं था क्योंकि विपक्ष की पार्टियां बटी हुई थी, वोट बट रहे थे और एक तरफा समर्थन नरेंद्र मोदी और बीजेपी को लोगों का मिल रहा था। लेकिन जिस तरीके से मुद्दे इस बार काफी अधिक हैं, चाहे वो नरेंद्र मोदी के वादे महंगाई को लेकर हो, बेरोजगारी को लेकर हो, बढ़ते अपराध को लेकर हो, सुशासन को लेकर हो, सरकार को लेकर हो, तमाम वादों पर नरेंद्र मोदी फिसल गए हैं, वादे पूरे नहीं कर पाए, और यही वजह है कि नाराजगी है। बीजेपी के लोगों के सामने अब एकमात्र लक्ष्य है कि कैसे 2024 में चुनाव जीतना है। सवाल इस वजह से है क्योंकि लोकसभा के चुनाव से पहले देश का एक अहम हिस्से वाला राज्य मणिपुर जल रहा है। मणिपुर में महिलाओं को निर्वस्त्र करके परेड करवाया जा रहा है, और जब नरेंद्र मोदी मणिपुर नहीं जाते हैं, जब नरेंद्र मोदी मणिपुर के लोगों का हाल नहीं लेते हैं, जब नरेंद्र मोदी वहां के मुख्यमंत्री एन वीरेन सिंह का इस्तीफा नहीं लेते हैं, तो यह साफ तौर पर नजर आ रहा है कि नरेंद्र मोदी को इस बात की चिंता नहीं है कि मणिपुर में क्या हो रहा है। जब नरेंद्र मोदी देश के युवाओं के सामने आकर ये नहीं कहते हैं कि हमने जो वादे किए थे नौकरी को लेकर, महंगाई को लेकर, उस वादे को पूरा नहीं कर पाए, तो इस साफ तौर पर नजर आता है कि नरेंद्र मोदी को इस बात की चिंता नहीं है कि देश में बेरोजगारी कितनी बढ़ गई है। नरेंद्र मोदी को इस बात की चिंता नहीं है कि महंगाई कितनी बढ़ गई है। मोदी को बस एक बात की चिंता है कि कुर्सी कैसे बचेगी। अब 2024 का चुनाव है, अब 2024 के चुनाव में जनता का मूड क्या होगा, मिजाज क्या होगा। राम मंदिर का नाम तो पहले से चला, राम मंदिर के नाम पर तो आपने वोट मांगे, अब लोगों ने जो वोट किया राम मंदिर के नाम पर, नरेंद्र मोदी सोच रहे हैं इस बात को लेकर कि क्या जरूरत है काम करने का, जरूरत ही क्या है मणिपुर जाने का, फिर से वहीं एक बार आलाप जपेंगे, लोगों का वोट मिल जाएगा। लेकिन ये साफ तौर पर समझ ले, जो पॉलिटिकल पंडित है वो कह रहे हैं कि 2024 के चुनाव में लड़ाई बहुत टसन वाली होगी। एनडीए के मुकाबले के लिए जो इंडिया तैयार हुआ है वो बेहद ही दमदार है। भले ही 38 छोटे छोटे दलों को मिलाकर नरेंद्र मोदी ने गठबंधन कर लिया है, लेकिन हकीकत यह है कि उन दलों की जमी पर कोई भी राजनीतिक औकात नहीं है, अधिकांश दलों की। आप कुछ की छोड़ दें, एक दर्जन दल को छोड़ दें, 3 दर्जन से अधिक दलों को शामिल कराया है नरेंद्र मोदी ने गठबंधन में, तो एक दर्जन को छोड़ दें तो 2 दर्जन से अधिक दलों का तो नाम भी बहुत लोग नहीं जानते हैं देश में। लेकिन दूसरी ओर जो विपक्षी गठबंधन है, उस गठबंधन में शामिल दलों की एक बहुत बड़ी अस्तित्व है। चाहे आप बात अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी की करें, या फिर आप बात करें टीएमसी की ममता बनर्जी के पार्टी की, या फिर आप बात करें अखिलेश यादव की पार्टी की, या बात करें शरद पवार के पार्टी की, बात उद्धव ठाकरे की पार्टी की करें, या फिर आप बात करें हेमंत जो झामुमो के चीफ हैं, जिनकी सरकार है हेमंत सोरेन की, या फिर आप बात लालू यादव की करें, या फिर नीतीश कुमार की, बात महबूबा मुफ्ती की करें, या फिर उमर अब्दुल्ला की, बात इनके स्टालिन की आप करें, या फिर डी राजा की, बात सीताराम येचुरी की करें, या फिर विपक्षी गठबंधन में शामिल अन्य घटक दलों के नेताओं की, राजनीतिक औकात, राजनीतिक हैसियत सबकी है।
अलग अलग राज्यों में इन तमाम दलों ने सरकार भी बनाई है। वर्तमान में कई राज्यों में इनकी सरकार है। दूसरी ओर बीजेपी जो इंडिया के खिलाफ एनडीए है, उस एनडीए में शामिल घटक दलों की राजनीतिक हैसियत क्या है ये सब जानते हैं। बहरहाल नरेंद्र मोदी की चिंता काफी बड़ी हुई है। नरेंद्र मोदी ने कभी ये नहीं सोचा था कि आखिरकार उनके सामने इतनी बड़ी चुनौती कैसे बनकर आ जाएगी। नरेंद्र मोदी को इस बात की चिंता बहुत है। दोस्तों, जिस तरीके से 24 को लेकर विपक्ष की पार्टियां एकजुट हुई है, अब बीजेपी के आईटी सेल वालों पर आरोप है विपक्षी नेताओं का कि ये लोग अब दुष्प्रचार कर रहे हैं, ये भ्रामक खबरें फैला रहे हैं, और तो और गोदी मीडिया वाले सिर्फ और सिर्फ इनकी तारीफ कर रहे हैं। गोदी मीडिया वाले को भी इस बात से मतलब नहीं है कि मणिपुर में क्या हो रहा है। उन्हें इस बात से मालूमात है, उन्हें इस बात की जानकारी है, लेकिन उन्हें इस बात से थोड़ा सा भी लेना देना नहीं है कि देश की जनता क्या चाहती है। वो वही दिखाते हैं जो उनके आका चाहते हैं। अब 2024 के चुनाव में नरेंद्र मोदी अब काट ढूंढ रहे हैं, काट इस बात का कि कैसे इन लोगों को तोड़ा जाए, कैसे इस विपक्षी गठबंधन में दरार आए। और यही वजह है कि बीजेपी ने नीतीश कुमार को लेकर सवाल उठाया कि नीतीश कुमार को ना तो संयोजक बनाया गया बेंगलुरु की मीटिंग में, ना ही पीएम फेस बनाया गया, तो नीतीश कुमार नाराज हो गए। लालू यादव, तेजस्वी यादव नाराज हो गए क्योंकि इनकी बातें चल नहीं रही है, सब पर कब्जा जो है वो कांग्रेस का हो गया है, राहुल गांधी का हो गया है। तो देखिए, विपक्षी गठबंधन में ऑल इज वेल है, यानी इंडिया में ऑल इज वेल है। तेजस्वी यादव जो बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कल एक बयान दिया और तेजस्वी यादव ने क्लियर तौर पर कहा कि बिहार की बात नहीं कीजिए, बात देश की कीजिए, ये कुर्सी किसी को हमेशा हमेशा के लिए नहीं मिली है, 2024 में कुर्सी से उतारेंगे, हम सब एकजुट हैं, नाराजगी की कोई बात नहीं है। अब नीतीश कुमार की बात कर लेते हैं। नीतीश कुमार जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं और लंबे समय तक बीजेपी के मित्र रहे हैं, बीजेपी नेताओं से बहुत करीब का रिश्ता नीतीश कुमार का रहा है, और नीतीश कुमार ने बगावत के झंडे उठाए हैं, तो ये दावा किया गया भाजपा के ओर से कि नीतीश बाबू की चाहत है कि वो पीएम बन जाए, पीएम फेस हो जाए विपक्ष की ओर से, और नहीं बनाए गए तो नाराज हो गए। नीतीश कुमार ने कई दफे कहा है कि उनका मकसद ये नहीं है, उनका मकसद ये नहीं है कि उन्हें पीएम फेस बनाया जाए। नीतीश कुमार ने साफ लहजे में कहा कि विपक्षी पार्टियां एकजुट है और अभी कई और दल साथ आने वाले हैं। तो ये बिहार से साफ तौर पर क्लियर सर्टिफिकेट मिल चुका है। जो अरविंद केजरीवाल को लेकर दावे किए गए, अरविंद केजरीवाल भी दूसरी बैठक में शामिल होकर ये साफ तौर पर संकेत दे दिए कि आप भ्रम ना पाले, हम सब एक हैं। बहरहाल नरेंद्र मोदी बहुत चिंतित है, बहुत टेंशन में है, क्या होगा आगे। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद।